दोस्तों शाहरुख खान पैंथर मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उसके ऊपर सूरज बरजातिया ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि शाहरुख खान के साथ अगर लोकेश कनगराज काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली मूवी बना देंगे, क्योंकि लोकेश कनगराज का यूनिवर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और शाहरुख खान का मुकाबला करना बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड तक किसी के अंदर नहीं है। और लोकेश कनगराज की पैंथर मूवी की कहानी बढ़िया होगी और ऐसे में शाहरुख खान लोकेश कनगराज के यूनिवर्स का हिस्सा बनते हैं तो ये इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाने वाली मूवी बनाएंगे जिसका कोई भी रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों शाहरुख खान पठान के बाद एक बार फिर से जवान में नजर आए और विक्रम राठौड़ बनकर जो एक्शन दिखाया उसके बाद हर किसी को शाहरुख खान को दोबारा एक्शन अवतार में ही देखना है। और कहा जा रहा है कि शाहरुख खान अब जो है वो एक्शन मूवीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि शाहरुख खान अब जो है वो लोकेश कनगराज के साथ पैंथर मूवी की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं। उसी के साथ इस चीज को भी तेजी से वायरल किया जा रहा है कि जवान 2 के लिए भी डायरेक्टर एटली कुमार विजय थलापति और शाहरुख खान को एक साथ दिखाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट अभी तक रेडी नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले धूम 4 और पैंथर की बातें हो रही है और हो सकता है कि ये दोनों मूवीज 2025 के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। और सूरज बरजातिया का कहना है कि शाहरुख खान का मुकाबला करना यानी कि आग के अंदर हाथ डालने के बराबर है और इनके सामने कोई भी एक्शन खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी डायरेक्टर इसके सामने जो है वो खड़ा नहीं हो सकता और कोई भी एक्टर शाहरुख खान के सामने खड़ा होने की पावर नहीं रखता। ऐसे में अगर लोकेश कनगराज काम करने वाले हैं शाहरुख खान के साथ तो इसका मतलब सीधा है सारे रिकॉर्ड खत्म और शाहरुख खान के आगे कोई भी मूवी रिलीज नहीं होगी जब पैंथर रिलीज होगी। शाहरुख खान के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो और पैंथर मूवी के लिए आपकी एक्साइटमेंट क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और क्या लगता है सबसे पहले क्या धूम 4 आती है या फिर पैंथर, आपका ओपिनियन लाजमी बताना। और अगर आप शाहरुख खान के डाइहर्ड फ्रेंड्स हो, अगर आप शाहरुख खान से प्यार करते हो तो भाई थोड़ा सा राहुल भाई को भी प्यार दे दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आपके लिए ऐसे ही शाहरुख खान के अपकमिंग मूवीज के अपडेट लाते रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।